Let's do question number 26th of exercise 15B, that is perimeter and area of a plane figure. Question number 26th is find the perimeter and area of a quadrilateral ABCD. हमें perimeter निकालना है और area निकालना है इस quadrilateral का, in which AB 17 सेंटीमीटर, AB 17 सेंटीमीटर है, AD 9 सेंटीमीटर है, CD 12 सेंटीमीटर है और AC बी हमारा राइट ट्राइंगल है 90 डिग्री का और ए सी दे रखी है हमें 15 सेंटीमीटर. तो कैसे निकालेंगे? देखिए ना, यहाँ इक्विलेटरल ट्राइंगल है, कुछ भी नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें पेरीमीटर और एरिया निकालना है. तो एक तो या तो यहाँ से हाइट तो ये तो पता चल रही है, लेकिन इसकी हाइट हमें पता नहीं चल रही और हमें तीनों अलग अलग साइड्स दे रखे हैं. या तो हेरॉन्स फॉर्मूले से इसका एरिया निकालें और राइट ट्राइंगल से इसका एरिया निकालें तो निकाल सकते हैं, या हम बी डी कैलकुलेट कर लें तो निकाल सकते हैं. लेकिन बी डी किस केस में कैलकुलेट कर सकते हैं? जब ये राइट ट्राइंगल बने और ये राइट ट्राइंगल नहीं बन रहा है. तो हम क्या करेंगे? हम सबसे पहले राइट ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे. राइट ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए हमें बेस पता होना चाहिए बी सी, तो वो हमें पता नहीं है. तो कैलकुलेट करते हैं. उससे पहले हम अपना क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं, राइट? तो अब देखिए बेस निकालना है, तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम. पाइथागोरस थ्योरम किस में? ट्राइंगल में यूज़ होगी. ए सी बी कहें या बी सी ए कहें, बात एक ही है. तो ये देखिए एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. तो एच क्या है हमारा? 17 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू पी क्या है हमारा? 15 का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. तो बी कितना आ गया हमारा? देखिए 17 इंटू 17 इज 7 7s are 49, 4 carry 11, 7 and 1, तो यह है 289. तो 289, 15 का स्क्वायर हमें पता है 225 होता है, प्लस बी स्क्वायर. तो बी की स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई? 289 में से हम 225 माइनस कर देंगे, तो बी स्क्वायर आया हमारा 4. 9 में से 5 गया 4, 8 में से 2 गया 6, 64. तो बी की वैल्यू आई √64, दैट इज 8 सेंटीमीटर आ गई. इसका मतलब हमें बी सी पता चल गया 8 सेंटीमीटर है. तो एरिया निकाल देंगे, एरिया ऑफ राइट ट्राइंगल. राइट ट्राइंगल हमें कौन सा बता रखा है इसमें? दैट इज ए सी बी ट्राइंगल. ए सी बी का क्या फॉर्मूला होगा? हाफ इंटू बेस, बेस इज बी सी और हाइट है हमारी ए सी. तो देखिए हाफ बी सी अभी अभी हमारी आई 8 और ए सी हमें दे रखी है 15. तो ये कितना आ गया? 2 4 8, तो ये आ गया 60 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ राइट ट्राइंगल. अब इस ट्राइंगल का एरिया आ गया. अब इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है. कैसे निकालेंगे? देखिए ये स्केलीन ट्राइंगल है, तीनों साइड्स अलग अलग हैं. तो हम ए बी सी मान लेते हैं. ए है हमारी साइड 9 सेंटीमीटर, बी है हमारी 12 सेंटीमीटर और सी है हमारी 15 सेंटीमीटर. अब एरिया कैसे निकलेगा? हेरॉन्स फॉर्मूला क्या था हमारा? हेरॉन्स फॉर्मूला था एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी डी. ए सी डी निकलेगा हमारा स्क्वायर रूट में रॉन्स फॉर्मूले के थ्रू, दैट इज एस एस माइनस ए एस माइनस बी एंड एस माइनस सी. अब एस कैसे निकला? ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 से. तो ये कितना आया? 9 प्लस 12 प्लस 15 अपॉन 2, तो ये आया 16 कैरी 1 एंड 3, 36 अपॉन 2, दैट इज 18 सेंटीमीटर आ गया. तो एरिया कैसे निकलेगा? देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी डी निकला हमारा स्क्वायर रूट में 18 इंटू 18 माइनस ए, ए है 9, 18 माइनस बी, बी है 12, 18 माइनस सी, सी है हमारा 15. तो ये आया 18 एज इट इज़,
18 में से 9 गया 9, 18 में से 12 गया 6 और 18 में से 15 गया इस 3। तो इसके पेयर्स अंदर ही बनाने के लिए हम इसको फैक्टर्स में कर देंगे। तो 18 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 इंटू 3, 9 को 3 इंटू 3 लिख सकते हैं और 6 इंटू 3 एज इट इज़। तो देखिए 6 का पेयर बना, एक बाहर एक बार बाहर निकला, 3 का पेयर बना एक बार बाहर निकला और दूसरे 3 का पेयर बना एक बार बाहर निकला। तो ये आ गया 9 6 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या हो गया, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या हो गया, ए बी सी डी, दैट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल। कौन सा था राइट ट्राइंगल हमारा, ए सी बी, ए सी बी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी डी। देखिए दोनों ट्राइंगल ए सी बी और ए सी डी को ऐड कर देंगे तो हमारा क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ जाएगा। तो ए सी बी का एरिया कितना रहता है, 60। तो 60 और ए सी डी का अभी अभी हमने निकाला 54। ये देखिए ये निकाला तो ये कितना आ गया, दैट इज 114 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमारा क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ गया है 114 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें पेरीमीटर निकालना है, पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। हमें पता है पेरीमीटर में सारी साइड्स ऐड कर देते हैं, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए। तो ए बी कितनी दे रखी है हमें, ए बी दे रखी है 17, बी सी है 8, 17 प्लस 8 और सी डी कितनी दे रखी है, और डी ए, सी डी है 12 और डी ए है 9, 12 प्लस 9। तो ये कितना आ गया, देखिए 8 प्लस 7 इज 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 6 टू कैरी 3 एंड 4, तो 46 सेंटीमीटर इज द आंसर। हमारा पेरीमीटर आ गया 46 सेंटीमीटर इज द आंसर।